वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने T10 लीग का क्रिकेट का। 12 घंटे 14 मिनट बाद वाला मैच खेले जाने वाला है PCU वर्सेस ISM के बीच। तो भाई इस मैच का तो बहुत एक बढ़िया चीज़ देखी, जैसे ये तीनों टीम से तो इन तीनों का ही होगा, ISM PCU। मतलब अगर आपको नॉलेज अगर आप चाहते हैं कि आप भी मतलब टीम अपने बलबूते बना पाए, तो आप इस चीज़ से सीख सकते हैं कि कैसा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, आगे कैसा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं PCU वर्सेस ISM की प्रेडिक्शन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मेरी 100% विनिंग टीम कहाँ आएगी। तो मेरी 100% विनिंग टीम आती है भाइयों मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे AB रॉक्स ड्रीम 11 टीम, जिसको फटाफट आकर सब्सक्राइब करो। आप इधर पा सकते हैं 100% विनिंग टीम। यार तो मैं बहुत दिनों से बहुत मतलब मिस कर रहा था क्रिकेट को, काफ़ी 4-5 दिन बाद आए हैं अब ये, पहले भी रुक गए थे बीच में, मतलब पता नहीं। तो आपने लीग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स 10 मेंबर्स, बस कुछ नहीं, प्रॉफिट का फ़र्क होता है। 2 मेंबर में 66% होता है, बाकी 3 मेंबर्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, 4 मेंबर में भाई 150% के करीब होता है। तो टीम दिखाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट प्रेडिक्शन के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो टीम तो मैं आपको बहुत अच्छी बना के दे रहा हूँ अपनी तरह से, बहुत अच्छी है। तो बात करें विकेट कीपर की, यहाँ से विकेट कीपर ले लिया भाई ए तनोली को, 9.5 क्रेडिट्स है, 22.70% सिलेक्शन। तो वी छतरानी को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाइयों इसकी एक बार बैटिंग आई थी, क्योंकि इनकी पूरी टीम उड़ गई थी तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। लेकिन ए तनोली ने तब 19 पॉइंट्स मारे थे, काफ़ी अच्छा प्लेयर है ए तनोली, मतलब विकेट कीपिंग भी करता है और बढ़िया है। अब बात करें आर मेहता को, तो भाई हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आर मेहता ISM का एक टॉप प्लेयर है, 10 क्रेडिट्स हैं इसके, 93% सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ से एम मुजाहिद को ले लेंगे। तो एम मुजाहिद को मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई ये बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो देखो 26-25 पॉइंट ही दे पाएगा भैया, इतना ही है क्योंकि इसकी रेशियो इतना बन रहा है, क्योंकि जितना बंदे को खिलाओगे उतने पॉइंट्स ही बनाएगा। तो बात करते हैं भाई एस मोहम्मद अजाई की। ओहो ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मतलब इसका नाम हो गया लीग में, मतलब ISM जो भी ये टीम में है PCU की टीम का नाम कर दिया इसने, क्योंकि बहुत अच्छा खेलता है। तो बॉलिंग जितनी अच्छी बैटिंग करता है उससे खतरनाक ये बॉलिंग करता है, क्योंकि इसने 3 विकेट उड़ाई थी भाइयों एक मैच में, काफ़ी ज़बरदस्त। तो डी जैन को हम कैसे भूल जाएंगे, डी जैन भी ISM का ऑपोजिट है ऐसा ही, बिल्कुल एस मोहम्मद जाहिद की तरह है, बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों, मतलब अगर इनको मिस नहीं करना क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो नहीं और बात करें, मैंने आपको बैट्समैन दिखा दिए चारों। बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर से हमने ले लिया एस पटेल को भाइयों, बहुत अच्छा प्लेयर है एस पटेल, मतलब बॉलिंग करता है, 2 विकेट ले लेता है, इसका नाम मैं भूल गया, हाँ संदीप पटेल, काफ़ी अच्छा खेल लेता है, मतलब अगर आप लेंगे तो इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और डी शाह भाइयों, डी शाह में कन्फ्यूज़न मत होना क्योंकि डी जैन और एक डी शाह, तो डी शाह उससे बहुत खतरनाक प्लेयर है। इसके मैं आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ, ये देखो 100 पॉइंट विदाउट कैप्टन के 100 पॉइंट दे रखे हैं। अगर ये उस वक्त कैप्टन होता किसी की टीम का तो खुद लगा लो 200 पॉइंट्स हर मैच में, मतलब 40+ हर मैच में। तो बहुत अच्छा प्लेयर है, विकटें भी लेता है अच्छी खासी। और यू जावेद को लेंगे, यू जावेद तो भाई टॉप पिक में इसका नाम है, इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि अच्छा प्लेयर है, टॉप पिक में मतलब हमें लेना चाहिए। बाकी अगर जो मैंने ड्रॉप किया भाई, यहाँ से ड्रॉप किया मैंने एम जफ़र को, मैंने यहाँ से ड्रॉप किया क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं, टीम में इतने प्लेयर्स की जगह नहीं है। ये देखो एम जफ़र बाकी सही है, ठीक ठाक है एम जफ़र, लेकिन मुझे वही डर है कि अगर हम ऊपर से कोई छोड़ते हैं अगर वो खेल गया। अगर आप इस बात को भूल जाओ, एम जफर मत लेना क्योंकि ऊपर से हम ले लेंगे। बात करें बॉलिंग की, तो बॉलर से हमने लिया एस दोषी को। एम मुश्ताक को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर हम डी दोषी और एम मुश्ताक की बात करें तो भाई एस दोषी काफ़ी अच्छा खेलता है। नीचे से लेंगे भाई क्यों मजहरुल हक, बहुत अच्छा प्लेयर, 8.5 क्रेडिट्स, मतलब इसकी बॉलिंग ही कमाल की है। देखो ये सारे बॉलिंग पॉइंट्स हैं इसके, मतलब बहुत अच्छा खेलता है ये। और नीचे से एक प्लेयर दिखाने वाला हूँ, लास्ट प्लेयर है वो, आप मतलब बहुत बढ़िया है, ये देखो एम शुएब फारूक। ओहो मतलब इसके आपको लग रहा होगा क्रेडिट्स कम है भाइयों लास्ट में है, लेकिन जब ये भाइयों खेलता है ना, जब ये बॉलिंग पे आता है तो अच्छे अच्छे के भाई छक्के चुरा देता है। ये देखो पॉइंट्स देखो आप, ऑल इसके बॉलिंग पॉइंट है, बॉल्स मतलब ऐसे ही कराएगा एम शुएब फारूक। 2 ओवर खेलता है भाइयों, तो 2 विकेट लेने की इसके अंदर पावर भी है, तो 1 विकेट पे 25 पॉइंट मिलते हैं, तो 50 पॉइंट हो गए मोटे मोटे। तो बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन रखना है भाई एस मुजाहिद को, जिसके कि 17% लोगों ने कैप्टन रखा, और वाइस कैप्टन रखना है डी शाह को। आप वाइस कैप्टन डी जैन को भी रख सकते हैं, आर मेहता को भी रख सकते हैं, डी शाह को, बाकी हम डी शाह के साथ ही जाएंगे क्योंकि हमें सेफ जाना है। तो ये मेरी कुछ टीम है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टू सेम टीम लगा लेना लीग ज्वाइन करने के लिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगली प्रेडिक्शन के साथ क्रिकेट की। सो बाय फ्रेंड्स।